ये जितने कपड़े बेचने वाले ब्रांड्स हैं, मेरा उन सबसे ये सवाल है कि जो एक सूट आप ईद के नाम पे 30-40 हज़ार का बेच रहे हैं, उसमें मॉडल साथ आएगी? क्योंकि भाई मेरे पास तो नहीं है इतने पैसे, मैं ना ये 30 हज़ार बचा के ना अगली ईद के लिए बकरा ले लेती हूँ अभी से। एक यार बहन सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर के बच्चे इतने घटी के ये बड़वे। हाल ही में सदा कुवल को रमजान की ग्रोसरी करते हुए शॉपिंग मॉल में देखा गया और वहां पे भी इनका पेट वाजे तौर पे दिखाई दे रहा था। जी तो पाकिस्तान में भी इन दोनों की शानदार आमद हुई। शरोज सब्जवारी और सदफ कवल ने शो में आकर सबको हैरान कर दिया। आपको दिखाएंगे कि सदफ कवल के जी तो पाकिस्तान में आने पर लोगों ने क्या क्या रिएक्शंस दिए हैं और सदा कवल किस तरह से अपना पेट छुपाती हुई दिखाई दी। जी तो पाकिस्तान में सदा कवल को एक खुले से शलवार कमीज में देखा गया और देखा जा सकता है कि सदा कवल ने अपने दुपट्टे से खुद को कैसे कवर किया हुआ है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताते चलूं कि सदा कवल ने एक क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया है। सदा कवल ने जो जोड़ा पहना हुआ था वो उनका अपना ही डिजाइन किया हुआ था और लोगों ने जब ये जोड़ा खरीदना चाहा और इसकी कीमत मालूम की तो पता चला कि ये सिंपल सी शलवार कमीज 30 हज़ार रुपए की है। सिंपल सी शलवार कमीज की कीमत सुनकर लोग इन पर काफी ज्यादा भड़क उठे। फिर से लोगों ने इन्हें काफी ज्यादा बातें सुनाई कि इतना सिंपल सा कुर्ता और शलवार आपने 30 हज़ार रुपए का बताया है, यही सिंपल सा शलवार और कुर्ता हमें 2-3 हज़ार रुपए का इजिली मिल जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत से शोबज इंडस्ट्री के और भी एक्ट्रेसेस ने अपने क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किए हैं और इनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं।